Hello student, in this video we are going to understand about sewage treatment plants and this sewage treatment plant we understand with the help of a flowchart. So pehle aapko maine microbes in human welfare video mein whole process sewage treatment plant ki explain ki thi, but maine aapse kaha tha ki main aapko ise as a flowchart bhi explain karunga jiski help se aapko pura sewage treatment plant kuch hi minuton mein yaad ho jaye. Okay, so is video mein main aapko primary treatment, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और साथ में BOD क्या है, होल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देने वाला हूँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का, और सिर्फ एक फ्लो चार्ट के हेल्प से. देन ये आपके सामने है फ्लो चार्ट जहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को. देन रिक्वायरमेंट्स क्या है ये समझते हैं. सो मान लीजिए आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से और वो होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. जैसे मान लीजिए इफ्लुएंस की जगह यहाँ पर ए मेंशन है, मैकेनिकल एजुटेशन की जगह बी मेंशन है, रिड्यूस BOD की जगह सी मेंशन है और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर की जगह यहाँ पर डी मेंशन है. और आपसे बोला गया आप ए फिल करिए, बी फिल करिए, सी फिल करिए, डी फिल करिए, और वहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं कि ABCD इनमें से है क्या, आप आइडेंटिफाई करें या फिर आप इसको फ्लो चार्ट को फिल करिए. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रिक्वायर्ड था कि आपको पता हो कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और आप तभी ये कर पाओगे जब आपको ये फ्लो चार्ट आएगा, इवन जब आपको ये पूरी प्रोसेस पता होगी, नॉलेज होगा तब. तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इस फ्लो चार्ट की हेल्प से अंडरस्टैंड करने वाले हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को और उनके स्टेप्स को. तो जैसा कि आप जानते हैं डिटेल्स नहीं समझेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट पर फोकस करेंगे. सो पहला स्टेप प्राइमरी ट्रीटमेंट आप जानते हो और सेकेंड स्टेप आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट जानते हो. आपको मैंने बताया है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट्स को हम और क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इस ट्रीटमेंट में जो फिजिकल रिमूवल पार्टिकल्स हैं, जो भी लार्ज या स्मॉल पार्टिकल हमारे सीवेज में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन जैसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू रिमूव करते हैं. इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं या फिर हम इसे प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने रिमूव की हैं, मैंने क्या बोला कौन सी प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, तो वो प्रोसेस हमारी होती है फिल्ट्रेशन, मतलब आप फिल्टर करते हो, या फिर आप क्या करते हो सेडिमेंटेशन करते हो. ठीक है, सेडिमेंट्स के फॉर्म में आप फॉर्म करते हैं इन चीज़ों को. ठीक है, अब ये कौन सी चीज़ें होती है बच्चा, तो हम बोलते हैं कि हमने रिमूव करना है जो भी सॉइल के पार्टिकल्स हमारे सीवेज में प्रेजेंट हैं या फिर जो भी स्मॉल पेबल्स प्रेजेंट हैं, इन्हें तो हम सेडिमेंट्स के फॉर्म में सेपरेट कर लेंगे. देन जो भी हमारे पास इनिशियली फ्लोटिंग चीज़ें हैं, ठीक है, जो फ्लोट करके आ रही हैं, डबरीज हैं या फिर जो भी इनिशियली कोई भी प्रोडक्ट प्रेजेंट है सीवेज में, तो उसे हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर देते हैं. तो पहले फिल्ट्रेशन एंड देन उसके बाद सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो भी सॉलिड वेस्ट है या फिर जो भी फिजिकली थिंग्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, लार्ज या स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम यहाँ पर रिमूव करते हैं. तो इसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं. अब यहाँ पर जो हमें सॉलिड या सेटल्ड फॉर्म मिल रहा है उसे हम क्या नेम देते हैं, उसे हम नेम देते हैं प्राइमरी स्लज का. ठीक है, और साथ में जो हमें सुपरनेंट मिलता है, सुपरनेंट फॉर्म में जो हमें सीवेज मिल रहा है उसे हम क्या नेम देते हैं, उसे हम नेम देते हैं इफ्लुएंस का. ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि प्राइमरी स्लज जिसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, फिजिकल स्टेप तक ही रखेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट तक ही रखेंगे, वो हमारा होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, एंड देन उसके बाद इफ्लुएंस यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होगा. देन उसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास ये इफ्लुएंस मिला है, जो इफ्लुएंस है हमारे पास, सुपरनेंट है हमारे पास, इसे हम नेक्स्ट स्टेप के लिए, इट मीन्स सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स के लिए आगे भेज देंगे. ठीक है, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी इफ्लुएंस हमें मिला है प्राइमरी सेटलिंग टैंक से, उसे हम टेक करते हैं और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं उसमें हम भेज देते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारा होता है एरेशन टैंक में भेजना. अब एरेशन टैंक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लगातार एयर पंप करते रहते हैं और साथ में यहाँ पर एजिटेटेड भी इसे करते रहते हैं मैकेनिकली, जिसका मतलब भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जैसे कोई ये टैंक है तो हमने यहाँ पर कुछ स्टेयर करने वाली चीज़ लगा रखी है जिसे हम मूव करते जाएंगे, और यहाँ पर जो एयर है एरेशन टैंक में जो कि हम एयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसे कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड करते रहेंगे, मतलब एयर्स को मिक्सअप करते रहेंगे जो भी हमें यहाँ पर इफ्लुएंस मिला है. ठीक है, तो यही स्टेप है हमारा जहाँ पर हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, जो कि हम भेज रहे हैं लार्ज एरेशन टैंक में, एंड देन उसके बाद वहाँ पर मैकेनिकल एजिटेशन की प्रोसेस करते हैं. ठीक है,
ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मैकेनिकल एजिटेशन। देन उसके बाद इस मैकेनिकल एजिटेशन और साथ में जो भी हम यहाँ पर एयर प्रोवाइड कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, उसकी वजह से बहुत सारे फ्लॉक्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। ये फ्लॉक्स क्या होते हैं? तो फ्लॉक्स हम बोलते हैं जो भी हमारे पास बैक्टीरिया या फंगल फिलामेंट्स का मास प्रेजेंट होता है, मेस लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा किसका मैंने बताया आपको, फंजाई का मैंने बताया, और फंजाई के साथ साथ कौन है यहाँ पर, बैक्टीरिया है। तो इन दोनों के एसोसिएशन को ही हम यहाँ पर फ्लॉक्स बोलते हैं, जो कि मेश लाइक या फिर आप बोल सकते हैं नेटवर्क लाइक, नेट लाइक इवन ये स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? जब ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे, मतलब कुछ ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेंगे वहाँ पर, और जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसे इफ्लुएंस में उसे ये यूटिलाइज करेंगे। जब ये ऐसी प्रोसेस को कर रहे होंगे, उसे इफ्लुएंस को रिड्यूस कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जो BOD होगी हमारे उस एक्वेटिक बॉडी की, ठीक है, जो भी हमारे पास वो लिक्विड सब्सटेंस है उसका BOD यहाँ पर बहुत ही लो हो जाएगा। अब आप जानते हैं BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, जैसे कि हम यहाँ पर एक तरीके से रिड्यूस BOD बोल रहे हैं। तो जो हमारा यहाँ पर BOD है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है हमारा, उसे अगर हम मेजर करते हैं, इसलिए उसको क्यों यूज़ करते हैं, तो किसी भी जो वाटर बॉडीज़ या एक्वेटिक बॉडीज़ है उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उनको ऑक्सीजन की डिमांड होगी, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होगा अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चलाने के लिए। तो BOD को हम एज अ मेजर करते हैं फॉर द ऑर्गेनिक मैटर कितना वाटर में प्रेजेंट है, और उससे हमें यह पता चलता है कि वो वेस्ट वाटर जो भी वाटर है हमारे पास वो कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है। एक तरीके से हम पोल्यूटेड पोटेंशियल को जानते हैं विद द हेल्प ऑफ अ BOD, ठीक है। तो अगर जो हमारे पास सीवेज है या फिर जो वेस्ट वाटर हमारे पास है उसका BOD अगर हमने देखा, और BOD देखने के बाद क्योंकि रिड्यूस हो रहा है हमारा BOD, तो इस रिड्यूस BOD वाले हमारे पास जो भी इफ्लुएंस हमें मिला है उसे फिर से हम, मतलब वो जो हमारे पास फ्लॉक्स वाला है उसे फिर से हम कहाँ भेजेंगे, सेटलिंग टैंक में भेजेंगे। एंड देन ये जो फ्लॉक्स है वो क्या करेंगे, अलाउ करेंगे सेडिमेंटेशन को, एंड अब हम इस सेडिमेंटेड पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को देखिए, यहाँ पर स्टेप भी मैंने मेंशन कर रखा है ताकि आपको ये ना लगे, यहाँ पर सेडिमेंटेशन की प्रोसेस हम कर रहे हैं रिड्यूस BOD से लेकर के एक्टिवेटेड स्लज तक। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ये आपका क्या है, वही फ्लॉक्स हैं, ठीक है। अब या तो आप इस एक्टिवेटेड स्लज को एज अ एनोकुलम यूज़ कर सकते हो कि आपने इसे सीधे यहाँ से एरेशन टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, जहाँ पर आप एज अ एनोकुलम इसे यूज़ करोगे, और जो आपका रिमेनिंग मेजर पार्ट है स्लज का उसे आप आगे पंप कर देते हो कहाँ पर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर पर। तो ये आपका एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर पर आपने इस एक्टिवेटेड स्लज को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपने इसे एक्टिवेटेड स्लज में ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो कि एरेशन में किया तो एज अ इनोकुलम है, बट जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है यहाँ पर अब दूसरे टाइप की बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू करेंगी, जो कि एनारोबिकली एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू डाइजेशन का काम करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी एनारोबिकली डाइजेस्टेड बैक्टीरिया हैं या फिर जो फंजाई हैं वो स्लज में प्रेजेंट रहेंगे, और आपका जो वो मिक्सचर मिला है आपको, ठीक है, उसमें वो क्या करेंगे, एज अ मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, या फिर H2S रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर CO2 रिलीज करेंगे, और यही गैसेस का मिक्सचर आपका क्या कहलाता है, बायोगैस कहलाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से आपने बायोगैस को फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब बायोगैस को एज अ आप सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे, और जो ये इफ्लुएंस आपको मिला है, अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद आपको इफ्लुएंस मिला है, इस इफ्लुएंस को आप कैसे यूज़ करने वाले हो, तो आप इस इफ्लुएंस को आगे जाकर के नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं या फिर जो भी रिवर हैं उसमें आप रिलीज़ कर सकते हैं, स्ट्रीम्स में रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये टोटल आपकी प्रोसेस हो जाती है बायोगैस फॉर्मेशन की। या फिर अगर हम NCERT के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और आगे बात करें तो टर्शरी ट्रीटमेंट की प्रोसेस, जहाँ पर आप क्लोरीनेशन की प्रोसेस करा सकते हो या फिर LM का यूज़ कर सकते हो, और इनकी हेल्प से आप क्या करेंगे बच्चा, आप वाटर को और प्यूरीफाई करके इरिगेशन या दूसरे मेथड्स में भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने, हमने एक छोटे से फ्लो चार्ट की हेल्प से ओवरऑल जो हमारा बायोगैस का फॉर्मेशन कह लो आप या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कह लो, वो हमने सिर्फ और सिर्फ एक फ्लो चार्ट की हेल्प से अंडरस्टैंड कर लिया। तो ये फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल था, इसे आप अपनी नोट्स में भी फॉर्म कर सकते हैं, इवन करना ही है आपको।
So hopefully students, you understand about this thing. Thank you.